फ्रेग्रेंसेस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हाय गाइस, दिस इज योर ओन होस्ट गौरव फ्रॉम स्प्लैश फ्रेग्रेंस इंडिया। बात करने वाले हैं टॉप 5 लताफा फ्रेग्रेंसेस के बारे में, बस इस छोटे से इंट्रो के बाद। जैसा कि मैंने गाइज आपको बताया, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 लताफा की फ्रेग्रेंसेस के बारे में। एक मेजर रीज़न लताफा की फ्रेग्रेंसेस का मेंशन करना इसलिए भी था बिकॉज लताफा मुझे लगता है अरमाफ के बाद एक ऐसी मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है जिसने बहुत ही छोटे स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की, बिकॉज इनके जो फ्रेग्रेंसेज हैं 1500 से लेकर 3000 के बीच में आते हैं और कहीं ना कहीं ये एक इस प्राइस को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं बिकॉज इनके परफ्यूम्स सारे ही लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छा है और गाइस परफ्यूम से आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। अगर आपको लास्टिंग मिल रही है परफ्यूम में और प्रोजेक्शन मिल रहा है, सो आई थिंक सो दैट इज गुड। सो विदाउट फर्दर डिले वी आर गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट फ्रेग्रेंस, इट्स कॉल्ड एज लताफा ऊद मूड। एक बहुत ही प्यारा सा फ्रेग्रेंस है। अगर आपको ऊद और रोज का कॉम्बो अच्छा लगता है तो आपको ये फ्रेग्रेंस एकदम रुझा देगा बिकॉज इसमें जो एक जो स्वीट डोमिनेंस है ऊद का वो बहुत ही प्यारा है, ज़रा सा भी फीकल नहीं स्मेल करता। ऊद के नोट्स इसमें बहुत ही अच्छे से ब्लेंडेड हैं, इसमें प्रलाइन का नोट है, इसमें कैरमल है, मुझे ये थोड़ा सा गोमांड ऊद का फील देता है। ये अगर आपको लैनकॉम का ऊद बुकेट फ्रेग्रेंस याद होगा तो गाइज ये उससे काफ़ी ही ज़्यादा सिमिलर है और जिस प्राइस का है 1700 रुपये का 100 ml आता है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। I'll highly suggest ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सेकेंड फ्रेग्रेंस इसको हम लोग बात करेंगे वो है लताफा का वेलवेट ऊद। अगर आप देख सकते हो ये इतनी प्यारी सी डिज़ाइन में आता है, ये क्राउन टाइप का इसका कैप है और एक बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म ऑफ परफ्यूम की बॉटल है और जब ये फ्रेग्रेंस आप ट्राई करते हो तो ये आपको थोड़ा सा लेदर अकॉर्ड देता है। वेलवेट ऊद से मुझे टॉम फोर्ड के तस्कन लेदर की काफ़ी ही याद आती है बिकॉज तस्कन लेदर में भी सेम यही वाइब्स हैं, रेसबेरी का नोट है, इसमें लेदर का नोट है, बहुत ही क्रीमी सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है ये, वुडी भी है और ज़रा सा भी हार्श फील नहीं देता ये। लताफा वेलवेट ऊद मुझे लगता है ये एक बहुत ही आइडियल ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन वुडी फ्रेग्रेंसेस अच्छे लगते हैं। जो इसका स्वीट टोन है वो बहुत ज़्यादा ओवरली स्वीट नहीं है जैसा कि लताफा ऊद मूड में है, बट जो डोमिनेंस है लेदर का वो काफ़ी ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है और एक काफ़ी ही अच्छा क्लोन है टॉम फोर्ड के तस्कन लेदर का। सो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप लताफा वेलवेट ऊद ले सकते हैं और आपको आई कैन गारंटी यू बहुत अच्छा लगेगा। थर्ड फ्रेग्रेंस जिसकी हम लोग बात करेंगे, इट्स वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, इट्स कॉल्ड एज लताफा कायद। लताफा कायद एक कार्डमम हैवी फ्रेग्रेंस है, ये हमारे शोरूम पे काफ़ी ही ज़्यादा अपसेल होता है बिकॉज इसमें जो नोट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है। इसमें दालचीनी का नोट है, इसमें कार्डमम का नोट है, इसमें ग्रीन नोट्स हैं और ये एक फ्रेग्रेंस को बहुत ही अलग डायमेंशन देता है। ये वुडी तो है, साथ में ये बहुत क्लीन है और थोड़ा थोड़ा मुझे इसमें कार्टियर डिक्लेरेशन दुन परफ्यूम की स्मेल भी याद दिलाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्लोन है कार्टियर डिक्लेरेशन का, बट रादर एक इंस्पिरेशन कह सकता हूँ और इसमें जो कार्डमम का नोट है वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन है और मुझे नहीं लगता ये वुमेन को बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज इट इज़ वेरी मैस्कुलिन। इसका भी MRP 2000 रुपये है 100 ml की बॉटल के लिए। ये मेरे पास में इसकी 30 ml की मिनीचर आता है, वो मैं आपको ट्राई करा के दिखा रहा हूँ। फोर्थ फ्रेग्रेंस जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ अ वेरी अंडररेटेड फ्रेग्रेंस बाय द हाउस ऑफ लताफा, इट्स कॉल्ड एज कायद अल शबाब। कायद अल शबाब जब मैंने पहली बार दिल्ली में ट्राई किया था तो मुझे शायद से लगा कि इतने कम पैसे में अगर आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो ये इग्नोर नहीं होनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है गाइज, ज़रूरी नहीं कि आप 10,000-20,000 की परफ्यूम्स यूज़ करो, अगर आपका बजट 2,000-3,000 तक के है तो ये एक बहुत ही आइडियल ऑप्शन है। थोड़ा थोड़ा ऊद वुड इंटेंस बाय हाउस ऑफ टॉम फोर्ड की याद दिलाता है ये फ्रेग्रेंस। इसमें भी लेदर है, इसमें भी एनिमेलिक नोट्स हैं, वुडी नोट्स हैं, इस पर स्पाइसेस बहुत हैवी हैं और थोड़ा सा इंसेंसी फील देता है।
लाउड बहुत ज़्यादा नहीं है बट लास्टिंग इसकी भी 10 से 12 घंटे मिनिमम रहती है, तो ये फ्रेगरेंस आप ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। एक बहुत ही हैवी सॉर्ट ऑफ बॉटल में आता है, ग्रीन कलर का इसका टेक्सचर है, अच्छा फ्रेगरेंस है, हाईली सजेस्ट करूँगा मैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फ्रेगरेंस लव्ड बाय द कम्युनिटी, इट्स कॉल्ड एज लताफा बदी अल ऊद या फिर ऊद फॉर ग्लोरी। ऊद फॉर ग्लोरी ने बेसिकली इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस को इनकैप्सुलेट किया है जस्ट फॉर अ प्राइस पॉइंट ऑफ 2300 रुपीज़। अगर आप बॉटल का डिज़ाइन देखोगे तो इसको भी इन्होंने पूरा ही कॉपी किया है इनिशियो ऊद फॉर ग्रेटनेस से। और हम लोग जब स्मेल की बात करते हैं तो गाइज ये एक स्वीट ऊद का फ्रेगरेंस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पचोली आता है, बहुत ज़्यादा शुगरी नोट आता है, बहुत ही ज़्यादा मीठा है फ्रेगरेंस, जो मुझे लगता है कि अगर आप विंटर्स में यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वरना समर्स में भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चोकिंग हो सकता है बिकॉज ओवरली स्वीट है और सेम टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा लाउड है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देर आर चांसेस कि अगर आप इसको राइट सेटअप पे नहीं यूज़ करोगे तो इट कैन एक्चुअली इंड्यूस यूर हेडेक। बट अगर गिफ्टिंग के लिए आपको चाहिए फ्रेगरेंस तो ये एक फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 2300 रुपीज़ की MRP है इसकी और डिस्काउंट्स की बात कभी कभी 2000 रुपये 1700 में भी मिल जाता है। सो दीज आर माई टॉप 5 रिकमेंडेशंस फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा, नॉट इन एनी ऑर्डर। लताफा बदी अल ऊद, लताफा कायद अल शबाब, लताफा कायद, लताफा वेलवेट ऊद एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लताफा ऊद मूड। सो गाइज आप आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही क्विक और शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है सो दैट क्रिस्प वीडियो बन सके। और अगर ये फ्रेगरेंस का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कोई लताफा फ्रेगरेंस ट्राई किया है कि नहीं, अगर किया है तो विच इज़ योर पर्सनल फेवरेट। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।